तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं चैप्टर 11.2 संख्या एकी के बारे में। ठीक है, चैप्टर 11.1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था और आप लोगों के एग्ज़ाम में भी वो आया था, तो आप लोगों ने उसे ज़रूर देखा होगा और फाइनल्स में भी वो आएगा। इसलिए यदि आप लोग फाइनल की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको हर सवाल समझ में आए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग 11.2 की शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोगों को पढ़ने में कहीं भी असुविधा नहीं होगी। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए हमारे YouTube के माध्यम से और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला 11.2 जो संख्या की है इसमें हम लोगों को जो है ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि प्रथा के विद्यालय के 75 शिक्षार्थियों, शिक्षार्थियों मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा प्राप्त अंकों का आवृत्ति बहुजक माने जो बहुभुजक है अंकित है करें, यानी हम लोगों को एक आवृत्ति बहुभुजक अंकित करना है। ठीक है, जिसमें ये एक डाटा दिया गया है जिसमें प्राप्तांक और शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, जिसमें 30, 12, 40, 18, 50, 21, 60, 15, 70, 6, 80, 3 ये दे दिया गया है। और आप लोग को इस सवाल में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, क्योंकि इसका जो डाटा है ये नीचे ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, कि आपको कौन कौन सा मान यहाँ पर बैठाना है। तो इस सवाल में जो एक नंबर सवाल है इसमें केवल हम लोगों को जो ये मान दिया गया है उसे हम लोग को ग्राफ पेपर में अंकित करना है और हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये सवाल बस अंकन पद्धति के लिए आपको सिखाने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, वर्गीकृत कागज पर क्षितिज एवं उर्वत संख्या पर सुविधा अनुसार पैमाने लेकर 20.0, 30.12, 40.48, 50.21, 60.15, 70.6 और 80.3 और 90.0 बिंदुओं को वर्गाकृत कागज पर अंकित किए और इन्हें मिलाकर आवृत्ति बहुजक बहुभुज अंकन करें। ठीक है, तो ये बस छोटा सा काम है जो हम लोगों को यहाँ पर करना है। ठीक है, तो हम लोग जस्ट इसका जो डाटा है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आपको सिखाएंगे कि आप लोग यदि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा उसमें आप लोग कैसे इस डाटा को बिठाकर कहाँ लिखेंगे और कहाँ पर ग्राफ पॉइंटिंग करेंगे, ये सब हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। तो हम लोग यहाँ पर जो डाटा है इसको बस यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग का डाटा क्या है, 20.0, तो हम लोग लिख देंगे 20.0। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे 30.12। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 40.18, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 50.21, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, लिखेंगे 60.15, फिर यहाँ पर कोमा देंगे, फिर लिखेंगे 70.6, फिर लिखेंगे 80.3 और 90.0। ठीक है, बस ये जो हमको यहाँ पर मान दिया गया था जो बुक में था उसको हम लोगों ने यहाँ एट इट इज उतार दिया। ठीक है, अब जो हमारा काम है वो मेन काम है इस ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, अब इस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोगों को जो है ये मान जो लिखे हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर अंकित करना है। ठीक, तो हम लोग इसका अंकन करते हैं। इसके लिए आपको एक स्केल और जो है पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग उसे ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये स्केल और एक पेंसिल की मदद से जो है हम लोग अब यहाँ पर लाइनिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे मोटी जो रेखा होगी, ठीक है, आप उसी को पकड़िएगा। तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेखा ऐसी लंबी खींच दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी रेखा ये खींच गई और इसके बाद नीचे से भी एक ऐसी रेखा यहाँ पर हम लोग खींच लेंगे।
ठीक है, ज़्यादा जगह देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा है और आसान में ही बनाया जा सकता है। ठीक है, बस आपको बस बनाने का प्रोसेस आना चाहिए। क्लास 8 में भी हम लोगों ने इसे बनाया था। ठीक है, पेंसिल से उतना अच्छा दाग नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं जो है पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, मैं पेन से कर रहा हूँ, आप लोग पेन यूज़ नहीं कीजिएगा। ठीक, आप लोग पेन यूज़ नहीं करेंगे। परीक्षा में पेन जब जो बच्चा यूज़ करता है उसके पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग पेन यूज़ नहीं कीजिएगा, आप लोग हमेशा पेंसिल यूज़ कीजिएगा। आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए ये जो अक्ष है इस अक्ष को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई डैश। ठीक है, और यह ये जो अक्ष है इस अक्ष को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। तो यहाँ होगा एक्स डैश और यहाँ पर होगा एक्स। आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा किस अक्ष को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बुक पर ध्यान से देखिएगा, तो जो बुक होता है इसका जो ऊपरी अक्ष होता है ये एक्स अक्ष होता है और निचला अक्ष जो होता है वो वाई अक्ष होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे। देखिए जो एक्स अक्ष है हमारा, एक्स अक्ष में 20 है। ठीक है, 20 पर 0 दिया गया है, वो हम लोगों को बोला है कि मान अपना पुट कर लीजिए। ठीक, तो हम लोग 20 पर 0 यहाँ पर समझेंगे कि 20 पर 0 हम लोग करें तो करें कैसे। ठीक है, तो आप लोग किसी भी बिंदु को यहाँ पर हम 20 इसको 20 मानते हैं। ठीक, तो इसको यदि हम 20 मानते हैं तो इसके बाद अब अगला है, अगला जो एक्स है वो कितना है 30 है। राइट, तो 30 हम लोग को जाना है, तो 20 से 30 कितना बढ़ा, 10 बढ़ा है कि नहीं। तो यदि हम जो है इस स्मॉल डिवीज़न को यानी 1 SD को 2 यूनिट मानते हैं। ठीक है, तो 5 घर चलने पर ही हमारा 10 घर कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप 1 SD को 1 घर मानते हैं तो आपको 10 घर चलना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे कि भाई देखिए टोटल घर कितना हो रहा है। तो ये 1 घर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, इस तरह हम लोगों को कम से कम 80 घर चाहिए। तो यहाँ पर हमका 80 घर नहीं होगा, आप कितनी भी चेष्टा कर लीजिए ये छोटा घर बनेगा। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए कि जो मेरा यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना है। तो कुल मिलाकर हम वो जो है 10 10 घर का अगर डिस्टेंस रखते हैं तो टोटल मिलाकर हमें कितने चाहिए, 10 घर चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है देखेंगे कि 10 घर चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे कि 1 SD यानी 1 स्मॉल डिवीज़न जो है एक्स अक्ष का, इसका मतलब 2 धरेंगे, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट पकड़ेंगे तो 1 घर बराबर 2 हुआ, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो यानी 6 चौके 8, 2 5 10, यानी ये जो हुआ जो 5 घर है असल में वो कितना मानेंगे, इसको 10 मान लेंगे। यानी यहाँ 20 हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। आई होप इतना समझ में तो आप लोगों को आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर हम लोग जो है घरों का डिसीज़न करते हैं कि कौन घर कितना होगा, कितने बड़े बक्से को क्या मानना होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉल डिवीज़न काउंटिंग। ठीक, तो एक्स अक्ष का हम लोग जो है वो 1 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 2 यूनिट हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष का 1 SD इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक, तभी हम लोगों ने ये काम किया। इसके बाद अब वाई अक्ष में चलना है, तो वाई अक्ष में देखिए यहाँ 0 है, 12 है, 18 है, 21 है, 15 है, 6 है, 3 है, 0 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर देखिए 21 है। तो हम आराम से यहाँ पर 21 घर ऊपर चल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 1 SD इज इक्वल टू 1 यूनिट यानी 1 घर बराबर 1 कदम। ठीक है, 1 SD 1 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 5, ये होगा 10, ये होगा 15, ये होगा 20, ये होगा 25 और ये होगा 30। इतना दूर हम लोग चल दिए। अब हम लोगों को बस यहाँ पर क्या करना है, अपना मान पुट कर देना है। ध्यान से देखिएगा बाबू, 0 से 20 पर 0 यानी 20 यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर 20 है, तो 20 पर क्या रहेगा, 0 रहेगा।
है, तो यहाँ पर रहने दो 20 पर 0। इसके बाद क्या है, 30 पर 12, ठीक है, 30 पर 12। तो यहाँ पर देखिए 30 है और यहाँ पर 12 घर गिनेंगे, ये हो गया 5 और ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये 12, यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। तो हमारा घर जो है यहाँ पर बैठा, तो ये जो मान है ये क्या है, 20.0 लिख देंगे यहाँ पर। और ये जो मान हमारा हुआ ये कितना हुआ, ये हमारा हुआ है 30 पर कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 30.12, ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आप चाहे तो ना भी लिखे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप ए बी सी डी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला मान देखिए 40 पर कितना देगा, 40 पर 18, ठीक है, 40 पर 18। तो 5 10 15 20, 20 से 2 कम 18, देखिए 5 10 15 16 17 18 यहाँ हुआ, तो इस जगह पे करेंगे हम लोग 40 पर 18, 40 पर 18, ठीक है। इसके बाद क्या है, 50 पे 21, 50 पे 21, 5 10 15 20 और 1 21, ठीक है, ये हो गया हमारा 50 पे 21, ठीक है। इसके बाद है 60 पे 15, 60 पे 15 मतलब ये हो गया 5 ये 10 और ये 15, 60 पे हमारा हो गया 15, ठीक है। अच्छा 70 पे 6, 70 पे 6 यानी 5 और 1 ये 6, 70 पे 6, और 80 पे 3, 80 पर 3 है ना, तो 80 पर 3 का है 1 2 3, यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया 80 पर 3। अच्छा इसके बाद है 90 पर 0, तो 1 के यहाँ पर आएंगे 90, ये 90 हो गया, 90 पर 0, तो यहाँ लिखेंगे 90.0, ठीक है। बस ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर मान पुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे। तो देखिए 20 से अब इसको मिलाएंगे स्केल की सहायता से, बिल्कुल ध्यान से मिलाइएगा ताकि आपको गड़बड़ ना हो। फिर यहाँ पर इसको लेंगे और इस रेखा को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो कुछ देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपका जो है डाटा बन के तैयार हो जाएगा, जो भी मान आपको दिया गया था आपको यहाँ पर अंकित मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ छोटा सा चीज लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा प्राप्तांक, जो यहाँ ये जो एक्स अक्ष है इसको हम लोगों ने क्या रखा, प्राप्तांक है हमारा, तो प्राप्तांक लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये जो तरफ है ये क्या है, शिक्षार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर आप लोग शिक्षार्थियों की संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया शिक्षार्थियों की संख्या, ये हो गया प्राप्तांक। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग इस पहले सवाल को बनाएंगे। इस पे बहुत ज़्यादा समय लगा क्योंकि मैंने आपको पूरी डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप विद इन मिनट, कुछ ही मिनटों में इस सवाल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर ये सवाल आपका बन के तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है दूसरे सवाल की ओर दृष्टि देते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा सवाल जो है हमारा, निम्न आवृत्ति विभाजन तालिका का आवृत्ति बहुभुज अंकन करें यानी अंकित करें, और ये आपका डाटा दिया गया है। अब हम लोगों को खुद से डाटा फिल करना है और उसके बाद बनाकर एक बहुभुज अंकित करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर, ठीक है। क्या है यहाँ पर, श्रेणी और आवृत्ति दे दिया गया है। 0 से 5 श्रेणी में आपका 4 आवृत्ति है, 5 से 10 में 10, 10 से 15 में 24, और 15 से 20 में 12, 20 से 25 में 20 और 25 से 30 में 8, ये आवृत्तियां और श्रेणियां आपको दी गई हैं, ठीक है। और हम लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सवाल को देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये पहला सवाल था, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसी पेज में हम लोग दूसरा भी बनाते हैं, इसको हम लोग जो है इसको हटा देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो सवाल है इसको हम लोग पहले डाटा में सेव करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को ऐसे एक रेखा यहाँ पर खींचनी होगी, ठीक है।
ये हमारा है श्रेणी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी, ये हो गया श्रेणी। ठीक है, अब इस श्रेणी के बीच में अंतर भी है, कितने श्रेणियां, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग 6 घर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा यहाँ पर घर जो है खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींच लेंगे। अब यह हमारा श्रेणी है, तो श्रेणी के सामने एक रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पर एक और श्रेणी अंतर होगा, तो श्रेणी अंतर ले लेंगे, और यहाँ पर आवृत्ति है तो आवृत्ति ले लेंगे। तीन बॉक्सों की जरूरत है हमें, तो ये श्रेणी हो गया। अब श्रेणी के बाद हम लोग लिखेंगे श्रेणी अंतर, ये कैसे निकालते हैं अभी सिखाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद है आवृत्ति, तो आवृत्ति लिख लेंगे। ठीक, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया, किसमें, रूल को, रूल पेज में, जो हमारा रूल पेज होगा उसमें ये लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो श्रेणी हम लोग का दिया गया, क्या दिया, 0 से 5, तो हम लोग 0 से 5 लिख लेंगे। 5 से 10, तो 5 से 10 लिख लेंगे। 10 से 15, 10 से 15 लिख लेंगे। 15 से 20 लिख लेंगे, और 20 से 25, 20 से 25, और 25 से 30, 25 से 30। ये जो श्रेणी दिया गया है इसको हम लोग एटिट्यूड लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब श्रेणी अंतर कैसे निकालते हैं, देखिए श्रेणी अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 5 को 0 से प्लस करना होगा। अगर हम 5 में 0 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 ही होगा, और डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 का आधा 2.5 होगा, यानी 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, 15 का आधा कितना होगा, 15 का आधा होगा आपका 7.5, 7.5। ठीक है, अच्छा 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25, 25 का आधा कितना होता है, 12.5। ठीक है, 12.5। अच्छा, इसके बाद है आपका 15 20, तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 35, तो 35 का आधा कितना होता है आपका, 17.5। ठीक है, अब उसको आधा करने जो, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 से 7 कितना बढ़ा, 2 3 4 5 6 7, 5 घर बढ़ा, है ना, 2.5 से 7.5 बढ़ने पे 5 घर का डिफरेंस हुआ, तो 17.5 से 5 घर जोड़िए कितना होगा, 17 18 19 20 21 22, यानी यहाँ पर होगा 22.5। और इसके बाद कितना होगा, 22.5 से और जोड़िए, 22.5 के बाद 22.5, और उसके बाद होगा 5 जोड़ेंगे तो 27.5। ठीक है, 5 5 घर का डिफरेंसेस है, तो इसमें आप 5 5 घर जोड़ दीजिएगा, इसका आधा करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका तुरंत हो जाएगा काम। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, देखिए अब आवृत्ति दिया गया, आवृत्ति हम बैठा देंगे यहाँ पर 4 10 24 12 20 और 8। ठीक है, इतना कुछ करना होगा बाबू आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को जो है यहाँ पर एक मान लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इतना दूर तक आप लोगों को कोई मतलब की असुविधा नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 2.5 पर 4 आवृत्ति है। ठीक है, यानी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ आवृत्ति बनाएंगे, बहुलक जो बनाएंगे, तो हम लोगों को 0 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 2.5 जो है इससे एक घर आगे का सोचेंगे, तो 2.5 जो है हमारा इस घर से एक कदम आगे, अगर आगे की तरफ जाए तो हम लोग रखेंगे -2.5। तो हमारा पहला श्रेणी जो होगा, यानी पहला जो हम लोग बिंदु बनाएंगे, वो बनाएंगे -2.5 पर 0। आई होप समझ में आ गया होगा, एक कदम आगे जाने की, 0 से उठेगा ना इसीलिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये एटीट्यूड उतारेंगे 2.5 पर 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7.5 पर 10, और फिर होगा 12.5 पर 24। ठीक है, इसके बाद होगा 17.5 पर 12। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 22.5 पर जो है आपका है 20। ठीक है, और फिर है 27.5 पर आपका 8। ठीक है, ये हमारा डाटा तैयार हो गया, जो कि हम लोग को ग्राफ में रेडी करना। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 27.5 है ना, अब इसके बाद हमको इस पर भी एक कदम आगे चलना है। ठीक है,
तो इस पर एक कदम आगे चलेंगे तो 25.5 से और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चल सकते हैं, आप एक कोई भी चल जाइए कोई दिक्कत, 5 कदम आगे भी चल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 में और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में 5 जोड़िए, 28, 29, 30, 31, 32, यानी हो जाएगा आपका 32.5/0। तब ना नीचे की तरफ आकर डाउन होगा, यहाँ से एक कदम इधर आगे और इधर से एक कदम इधर से आगे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये डाटा आपको कैसे बिठाना है समझ में आ गया होगा। ये आवृत्ति जो है, ये आवृत्ति बहुभुज का अंकन करने का पद्धतियाँ हैं, ठीक है। तो आई होप इतना दूर समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जो है आवृत्ति बना देते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसी पेज में हम लोग जो है आपके लिए आवृत्ति यहाँ पर बना दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अलग से मैं पेज नहीं ले रहा हूँ, आप लोग जब आप कीजिएगा तो एक ही पेज में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन स्कूल में जब आपका परीक्षा आएगा तो उसमें आपको एक ही सवाल बनाना होगा, तो आप एक ही पेज मिलेगा, उसी में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपका एक्स अक्ष खींचने बोलता था, हम लोग एक्स अक्ष खींच लेंगे यहाँ पर, इस रेखा पर मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ मोटी लाइन जो है, ठीक है। मैं पेन से कर रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से कीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था। और एक कदम इधर से चल के यहाँ से लेंगे, ऐसे हम लोग लाइन खींच लेंगे। ये हमारा मैंने बताया था, ये क्या है, वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है ना। और ये हमारा होगा एक्स डैश और ये हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक। इतना दूर तक समझा दिया था मैंने। अब इसके बाद ये हमारा जो है ये क्या होगा, जीरो है ना, ये 0 पॉइंट होगा। अच्छा, तो पहला अगर हमारा है -2.5 पे 0 है ना, तो -2.5 कहाँ है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को घर चुनना था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो घर बढ़ रहा है कितना कर रहा है, 5 घर करके बढ़ रहा है। लास्ट हमको जाना है 32.5 पे, तो हम यहाँ पर 32.5 क्या हो पा रहा है या नहीं, इसको काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बहुत इनफ है। यानी हम लोग एक घर बराबर मतलब 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट कर सकते हैं। और इधर वाई अक्ष पर भी हम लोग जो है देखेंगे कि सबसे बड़ा घर कौन सा है। तो वाई अक्ष पर सबसे बड़ा घर है 24, यानी 24 कदम हमें ऊपर चलना है। तो ऊपर के घर में क्या हमारे पास यहाँ पर इनफ जो बक्से हैं ये हम लोग देख लेंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 हो जाएगा ना। यानी हम लोग यहाँ पर सिर्फ और छोटा सा एक बात लिखेंगे, पहले वाले में नहीं लिख पाया था इसलिए लिखेंगे, एक्स अक्ष पर 1 SD इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। और वाई अक्ष पर भी 1 SD इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक। क्योंकि हम लोग 1 SD इज इक्वल टू 1 यूनिट कर रहे हैं, यानी एक छोटा सा बॉक्स बराबर 1 यूनिट गिन रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जस्ट हम लोग क्या करेंगे, मान को जो है पुट कर देंगे बस। पहला घर क्या है हमारा, -22.5 = 0। 2.5 क्या है, देखिए एक होगा, ये 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर बीच से एक ले लेंगे, ये हमारा आधा हो गया। तो ये हमारा ये जो घर बना यहाँ पर, ये होगा -2.5 पे 0, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2.5 पे 4। 2.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा 1 और ये 2, यहाँ होगा 5, 4 कितना होगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ बैठेगा, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, -2.5 पर 4 घर, ठीक है। इसके बाद हो रहा हमारा क्या है, दूसरा घर 7.5 पर 10। तो 7.5 का है, पहले मान पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 35 है, ये 40 है, हम लोगों को तो 32 चाहिए था, 40 तक हम लोग लिख दिया। इसके बाद ऊपर भी कर लेंगे यहाँ पर, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है
और ये 30 है, इधर भी हम लोगों ने मान लिख दिया। ठीक है, अब बस हम लोगों को यहाँ पर क्या करना, पुट करते हुए चलना है। तो हमारा ये जो घर हुआ ये 2.5 पर 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है कि आपका 7.5 पर 10। 7.5 कहाँ आता है जी, तो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और यहाँ पर जो होगा आपका क्या होगा, 7.5। 5, 6, 7, ये 7.5, 7.5 पे आपका 10 घर, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 10.5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे 7.5 पे 10। ठीक है, ऐसे करते हुए घर जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके बाद हमारा 10 पर देखिए, इसके बाद क्या हमारा 12.5 पे 24 है ना, 12.5 पे 24। तो 12.5 पे 24 हमारा है, तो 12 कहाँ आएगा, ये 10 है, ये 11 और ये 12, 12.5 बीच में आएगा, और यहाँ पर हमको चलना है 24 कदम है ना। तो ये हो गया हमारा 5, ये 12 है, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 20, 24, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर जाएंगे हम लोग। ठीक, यानी हमारा 12 पर 24 जो है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर 12.5 पर 24। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 12.5 पर 24। ठीक है ना, इसके बाद आपका कौन सा यूनिट है, 17.5 पर 12, 17.5, तो ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, 17.5 ये हुआ, और इस पर हम लोगों को चलना है कितना, इस पर हम लोगों को चलना है 12, तो 12 चलते हैं, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 10, 5 ये हो गया 10, और इस पर चलना है हमको इतना 2 और, तो 1 और ये 2 यहाँ पर आएंगे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा 17.5, 17.5 पर 12। ठीक है, इसके बाद 22.5 माने 22.5, 22.5 पर 20, 22.5 पर 20 यानी आपका यहाँ आएगा 21 और ये 22, 22.5, 22.5 पर आपका चलना है कितना 20, यानी 5, 10, 15 और ये 20 यहाँ चलना है। ठीक है, यहाँ उठेंगे हम लोग, तो ये होगा आपका 22.5 पर 20। ठीक है, इसके बाद है आपका कितना, 27.5 पर 8 है ना, तो 27 कहाँ आ रहा जी, ये हो रहा 25, 26, 27, 27.5, 27.5 पे कितना है आपका 8, ये हो गया 5, 6, 7, 8 यानी यहाँ आएगा है ना, ये पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 27.5 पर आपका हो जा रहा है 8। ठीक है, इसके बाद क्या है 32 पे 32, 32.5 पे 0, 32.5 कहाँ है हमारा, 30 यहाँ पर है, 31 और ये 32, 32.5 यहाँ है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0 रख लेंगे, तो इसको रख देंगे हम लोग 30 पॉइंट सॉरी 32.5, तो 32 पे 0। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने सभी को पॉइंटेड कर दिया। अब हमारा स्केल की मदद से जो है इन सभी को मिलान करना है, तो हम लोग इसको झटपट मिलान कर लेते हैं, बस मिलान करने के लिए बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपका जो है डायग्राम बनकर आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है हम लोग जस्ट यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर होगा श्रेणी,
ये श्रेणी है और ये जो है आपका आवृत्ति है, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख देंगे आवृत्ति, बस ये श्रेणी हो गया, ये आवृत्ति हो गया। इस प्रकार जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आई होप थोड़ा ये ज़्यादा घेज मिजाज हो गया, पर फिर भी ऐसे ही बनेगा क्योंकि हमारे पास घर कम है, ठीक है। आप अगर इसको 2 यूनिट मानते तो अब और मतलब बड़ा हो जाएगा ये, और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि घर ना हो। अगर हम लोग उसको कॉपी को घुमा दें तब हो सकता है शायद ये बन जाए, ठीक है ना। ये सवाल आराम से सॉल्व किया जा सकता है। आप लोग चाहें तो 1 SD इज इक्वल टू 2 यूनिट कर लेंगे, ठीक है। 1 SD इक्वल टू 2 यूनिट, या फिर 2 SD इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो जो हाफ है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। यानी दो घर को आप लोग एक घर गिनेंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर टोटल आपका बहुत ज़्यादा 64 से ज़्यादा आपका घर होना चाहिए, तब जाकर आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे जितना आता था मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगले सवाल को हम लोग जो है अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप सभी मिलकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और इस चैप्टर को बढ़िया समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।